आपको बता दूं कि एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिला है जो एक्सपेक्टेड नहीं था एलिगोनी के थ्रू जासमिन भसीन के लिए। क्यों? क्योंकि पूरे हफ्ते चला कुछ और है और कल जो देखने को मिला वो कुछ और है। आप सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है, तो चलिए आपको बताती हूँ कि आखिरकार पूरा माजरा क्या था। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। आपको बता दूं कि कल सलमान खान आते हैं। सलमान खान ने आकर अच्छी खासी क्लास लगा दी है घर वालों की, जहां पर एलिगोनी को भी काफी कुछ सुनने को मिला क्योंकि उन्होंने जैस्मिन को नहीं समझाया। देन इसके बाद में जब सलमान खान ने छोड़ दिया कि भाई मैं वापस आता हूँ, क्योंकि वापस आने के बाद उन्हें क्लास लगानी शुरू ना की। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर दिखा एक नजारा ऐसा जिसे किसी को भी देखकर जरा शॉक्ड लग जाएगा, क्योंकि वो मुझे तो लगा है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर एक तरफ अभिनव और रुबीना और अर्शी खान भिड़े हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ एलिगोनी के ऊपर पूरा पूरा फोकस लगा, क्योंकि एलिगोनी इस बात को कहते हैं कि जैस्मिन मैं तुझे समझा रहा था कि तू गलत दिख रही है, तू गलत दिख रही है, तू नेगेटिव दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है, लेकिन तू मेरी बात सुनती नहीं है। और फिर तू मुझे बोलती है कि तू मुझे समझा, तू मुझे बता ये वो। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं भरोसा नहीं कर पा रही थी राखी पर, अरे मैंने तेरे को कितनी बार बता दिया था कि उसको लगी है, मैं माफी मंगवाने के लिए भी तेरे को लेकर आया। एलिगोनी का ये जो लाइन है माफी मंगवाने को लेकर आया, ये लाइन जरा पकड़िए। जरा हमने लाइव फीड भी देखा है, हमने कल टीवी शो भी देखा है, हमें कहीं नजर नहीं आया कि एलिगोनी जो है वो जैस्मिन भसीन को राखी सावंत के पास लेके गए हो या राखी सावंत को जैस्मिन भसीन के सामने लेके गए हो। इनफैक्ट मैं आपको ये बात याद दिला दूं, जब राखी सावंत कैप्टन बनना चाहती थी उस समय पर भी राखी घुटनों पर बैठ गई, हाथ जोड़ लिए, लेकिन किसी ने भी राखी को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट उस समय पर भी एलिगोनी, जैस्मिन भसीन, इनफैक्ट रुबीना ठीक है चिल्ड आउट हो चुकी थी, लेकिन स्टिल उन्होंने जो है इस बात को कहा कि तुम उस समय पर ड्रामा कर रही थी, तुम्हारा नोज की स्क्रू जो हुआ, उसकी स्टिचेस जो तुम्हें प्रॉब्लम हुआ, उसका पेन तुम्हें मतलब एक ही दिन में जो है 24 घंटे के अंदर अंदर गायब हो गया। यहां पर एलिगोनी ने जो किया वो मुझे थोड़ा सा गलत लगा है, लेकिन आप लोगों को बतानी है कमेंट सेक्शन में राय कि आप लोगों को क्या लगता है कि एलिगोनी ने सलमान खान के बोलने के बाद में जो रिप्लाई दिया है जैस्मिन भसीन को, क्या आपको नहीं लगता कि वो भी उतने बराबर के हकदार है उसी फटकार के जितने की जैस्मिन भसीन, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं भाई मैं तो लेकर आया था राखी को, तूने माफी नहीं मांगी। माफी किसने मंगवाई थी? किसी ने नहीं मंगवाई थी। हर इंसान घर का हर एक कंटेस्टेंट सिवाय विकास गुप्ता के सपोर्ट करता हुआ आ रहा था जैस्मिन भसीन को। इनफैक्ट अभिनव शुक्ला ने भी इस बात को कहा था कि जैस्मिन तुम कैसे अफेक्टेड हो रही हो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यार अगर चैनल है मतलब फेस है मेरा, बिग बॉस ऐसा बोल रहे हैं, यार बिग बॉस ने भी मुझे बोल दिया है, देन अगर आपने किसी चीज की सपोर्ट करा है तो एक्सेप्ट करो। किसी से सुनने के बाद में, स्पेशली सलमान खान से सुनने के बाद में, अगर आप ऐसी बात बोलते हैं देन आप गलत हैं। आप लोगों की क्या है राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।